तो हाँ जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शाम है और अभी बजे हुए हैं शाम के 4। तो हम घर पे पड़े पड़े बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं की ट्रिप एक लगाई जाए, थोड़ी मतलब छोटी मोटी सी। तो हमने सोचा सब आप लोगों को भी साथ में ले लिया जाए और देखिए कितने खूबसूरत से रास्ते हैं। हमारे यहाँ एक पास में एक जय गुरुदेव जी का मंदिर है, हमने सोचा क्यों ना वहाँ होके आया जाए, क्योंकि वहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर हैं, तो साथ में आप लोगों को भी ले जाया जाए। और वैसे तो यहाँ पे जब बरसात में पानी बरसता है तो काफ़ी अच्छी हरियाली हो जाती है, लेकिन अभी उतनी अच्छी हरियाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे रास्ते हैं। तो आप लोग कब तक रास्तों को एंजॉय करिए, हम लोग मिलते हैं आपसे वहीं पे। बाय बाय। हाँ जी, मेरा नाम है विराज शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद विराज। तो राम राम, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आए हुए हैं द वाइट पैलेस, जो कि हमारे यहाँ एक छोटा मतलब ठीक ठाक सा गुरुद्वारा है, और इसका नाम वैसे तो जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हमने स्पेशली मैंने इसको नाम दिया है द वाइट पैलेस, क्योंकि ये इसमें कुछ ज़्यादा ही सफ़ेदी है। सो आइए आपको भी साथ में लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसको। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं और ये जो मंदिर है इसका नाम है जय गुरुदेव जन्मस्थल कोठी। ये जो मंदिर है वो बना हुआ है यहाँ पे जय गुरुदेव महाराज जी हैं, उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे उनकी ज़मीन थी कुछ, उस पर बना हुआ है। और ऐसे गांव टाउन में ऐसा मंदिर बना होना कोई मतलब बहुत बड़ी बात है। एक काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे, और पार्क वार्क भी बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, काफ़ी शांति है इसमें। अभी मतलब तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छा देखने लायक मंदिर बना हुआ है। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको हमारा वाइट पैलेस? होप करते हैं आपको वाइट पैलेस अच्छा लगा होगा। और ये वैसे तो जय गुरुदेव जी की जन्म स्थान कोठी मंदिर है, और इसका उद्घाटन हमारे पूर्व CM जी ने किया था। ये काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, इसका ऊपर का हिस्सा भी मतलब बंद किया हुआ है फॉर सम ऑब्वियस रीज़न ऑब्वियसली। और अभी हमको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि शाम हो चुकी है और हमारा घर यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, तो अभी हमारा जाने का टाइम हो चुका है। काफ़ी मतलब वैसे जंगल सा रास्ता है। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक बाय बाय।